नमस्कार दोस्तों, जाने पहचाने चेहरे के एपिसोड नंबर 8 में हम बात करने वाले हैं साउथ एक्टर सुनील की। इनकी फिल्मी जर्नी काफ़ी दिलचस्प रही है। इन्होंने अपना सफ़र बतौर कॉमेडियन शुरू किया, इसके बाद ये फिल्मों में काफ़ी सशक्त भूमिका में नज़र आए और आगे चलकर ये फिल्मों में बतौर लीड हीरो काम करने लगे। वीडियो के साथ बने रहें, बहुत सारी दिलचस्प बातें सुनील के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी इस सीरीज के अंतर्गत हम साउथ के उन एक्टर्स की बात करते हैं जो फिल्मों में काफी छोटे मोटे रोल्स में नजर आते हैं और काफी संघर्षों का सामना करके आगे बढ़े होते हैं। इससे पहले हम राजेंद्रन, अली बासा, योगी बाबू, संथानम, सूरी, पोसानी कृष्णा मुरली और वेनेला किशोर जैसे एक्टर्स की बात कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट जाने पहचाने चेहरे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सुनील बेसिकली एक तेलुगु एक्टर हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 2000 की मूवी नुव्वे कवाली से करी थी। ये अपने पूरे फिल्मी करियर में ज्यादातर कॉमिक रोल्स में ही नजर आए हैं, जिसमें इनको काफी ज्यादा पसंद किया गया है। आगे चलकर ये फिल्मों में बतौर लीड हीरो भी नजर आने लगे और आज ये 170 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। प्रेजेंटली ये सपोर्टिंग एक्टर के बेहतर विकल्प हैं और काफी बड़ी बड़ी फिल्मों में अच्छे खासे रोल्स में नजर आते हैं। दोस्तों, इनका पूरा नाम है सुनील वर्मा। ऑक्यूपेशन पर नजर डालें तो ये एक एक्टर के अलावा वॉइस एक्टर, कॉमेडियन, प्रोड्यूसर और एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। इनका जन्म 28 फरवरी साल 1974 को भीमावरम, आंध्र प्रदेश में हुआ। दोस्तों, हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को सबसे मुश्किल तब आती है जब हम रियल टैलेंट्स की बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता, भाई बहन की नाम की जानकारी या उनकी फोटोज कलेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन एक्टर्स के बारे में ज्यादा कोई जानकारी दी नहीं गई होती है। इसी तरह इनके भी माता पिता, भाई बहन के नाम की जानकारी और फोटोज भी हमें नहीं मिल पाई है, जिसके लिए हम माफी चाहेंगे। लेकिन इतना जरूर पता चल पाया है कि जब ये 5 साल के थे तभी इनके पिता की डेथ हो गई थी और इनकी माता श्री ने काफी संघर्षों का सामना करके इनको बड़ा किया है। इनकी स्कूलिंग भीमावरम के एक प्राथमिक पाठशाला से पूरी हुई। स्कूल के दौरान से ही ये मेगा स्टार चिरंजीवी के बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं के डांस एक्टिंग का इन पर गहरा असर पड़ा। अपने शुरुआती दिनों में ये एक अच्छा डांसर बनना चाहते थे। इंटरमीडिएट खत्म होते होते इनके टीचर ने इन्हें सजेस्ट किया कि अगर आप फिल्म लाइन में ही जाना चाहते हो तो बीएससी बीकॉम की बजाय फाइन आर्ट से अपना बैचलर करें। सुनील ने ऐसा ही किया और ये फाइन आर्ट के ग्रेजुएट बन गए। इस दौरान इन्होंने डांस में भी अच्छी पकड़ बना ली थी। इन्होंने लोकल के कई डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और ये अक्सर ही जीत कर आते थे। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने थिएटर करने का मन बनाया। इनका परसोना किसी हीरो से कम नहीं था, इसलिए थिएटर्स में इन्हें काम करने के लिए ज्यादा अवसर मिले नहीं। साल 1995 में इन्होंने सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करने का मन बना लिया। दोस्तों, शुरुआत में डांस की बदौलत ही फिल्मों में इनको एंट्री मिली। 3 से 4 फिल्मों में ये बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आए। इन्हें समझ आ गया था कि आसानी से अगर फिल्मों में एंटर करना है तो डांस ही एकमात्र आसान रास्ता है। इसके बाद इन्होंने हैदराबाद के एक डांसिंग स्कूल को ज्वाइन किया, साथ ही साथ बैकअप के लिए ये आर्ट डायरेक्शन भी सीख रहे थे। लेकिन इससे कुछ खास लाभ हुआ नहीं। इनका संघर्ष जारी रहा, लेकिन बतौर लीड हीरो फिल्म मिलना काफी मुश्किल हो रहा था। शुरुआत इनकी काफी ढीली रही। सबसे पहले ये साल 1996 में पवन कल्याण की मूवी अकड़ा इम्बई इकाड़ा इम्बई में नजर आए, जिसमें ये काफी छोटे रोल में थे और इनको क्रेडिट तक नहीं दिया गया था। इसके बाद ये 4 सालों तक संघर्ष पर संघर्ष करते रहे, लेकिन इनको किसी भी फिल्म में साइन नहीं किया गया। काफी लंबे इंतजार के बाद साल 1999 में इनको एक फिल्म में साइन किया गया जिसका नाम था सेकेंड हैंड, लेकिन ये मूवी आगे चलकर डब्बा बंद हो गई। दोस्तों, प्रेम कथा और स्वयंवरम फिल्म की गिनती इनकी शुरुआती फिल्मों में होती है, लेकिन इन फिल्मों की शूटिंग में थोड़ा समय लग रहा था, इसलिए सुनील कुछ और फिल्मों की तलाश में लग गए। सुनील फिल्मों में हीरो का रोल मांग मांग कर थक चुके थे और अब ये बतौर विलन काम करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनको नुव्वे कवाली फिल्म में साइन किया गया। डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इनको एक कॉमिक रोल दिया। 1,20,00,000 की खर्च में बनी इस फिल्म ने 24 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म 365 दिनों तक थिएटर्स में लगी रही। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, साथ ही साथ इस फिल्म में सुनील को काफी ज्यादा पसंद किया गया।
इनके ऊपर एक कॉमेडियन का ठप्पा लग गया और इनको सिर्फ और सिर्फ कॉमिक रोल्स ही ऑफर होने लगे। अब इनको फिल्मों में क्रेडिट भी दिया जा रहा था। इसी साल ये चिरू नवत्तो फिल्म में भी नजर आए। इसके अलावा इसी साल इनकी अनरिलीज्ड फिल्म पापे ना प्रणाम और फैमिली सर्कस भी रिलीज हो गई। सन 2001 में ये नुव्वु नेनू, वेंकटेश सर की मूवी नुव्वु नाकू नाचम, उदय किरण की मूवी मना संता नुवे और गोपी चंद की मूवी थोली वलापू जैसी फिल्मों में नजर आए और इन फिल्मों में इनको काफी ज्यादा पसंद किया गया। सन 2002 में इन्होंने एक दो नहीं टोटल 18 फिल्में साइन की, जिसमें महेश बाबू की बॉबी, चिरंजीवी साहब की इंद्रा द टाइगर और नागा अर्जुन की संतोषम और मनमथुडू जैसी बड़ी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इसी साल ये थोटी गैंग फिल्म में भी नजर आए। ये तीन हीरो की फिल्म थी और इस फिल्म में इनको अल्लारी नरेश और प्रभु देवा के बराबर का रोल मिला। 2003 में ये टैगोर, गंगोत्री और वसंतम जैसी टोटल 22 फिल्मों में नजर आए और इस साल इनको अपने फेवरेट हीरो मेगा स्टार चिरंजीवी साहब के साथ स्क्रीन शेयर करने का भी मौका मिला। 3 साल के भीतर ही इन्होंने अपना अच्छा खासा नाम बना लिया और ये कई बड़े एक्टर्स की फिल्मों में नजर आने लगे। दोस्तों 2004 में ये टोटल 23 फिल्मों में नजर आए, जिसमें आर्या, नानी, वर्षम और मेरी जंग वन मैन आर्मी जैसी बड़ी फिल्मों के नाम शामिल हैं। जहां मेरी जंग फिल्म में इनको नागा अर्जुन के छोटे भाई का रोल प्ले करने का मौका मिला। सन 2005 में ये पवन कल्याण की मूवी बलू, मेगा स्टार चिरंजीवी की मूवी जय चिरंजीवा, रवि तेजा की मूवी भागीरथा और नागा अर्जुन की मूवी सुपर जैसी टोटल 28 फिल्मों में नजर आए। 2006 में ये 16 फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नजर आए, जिसमें अन्नावरम, बॉस और स्टैलिन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब इनको फिल्मों में बतौर लीड हीरो भी साइन किया जाने लगा। इसी साल ये अंदाला रमड़ो फिल्म में बतौर लीड हीरो नजर आए। 4 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 12 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। साथ ही साथ इस फिल्म के लिए सुनील को काफी ज्यादा पसंद किया गया। दोस्तों फिल्म की सफलता ने सुनील का मार्केट प्राइस बढ़ा दिया और अब सुनील फिल्मों में दमदार रोल्स में नजर आने लगे। सन 2007 से सन 2010 के बीच ये 50 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए, जिसमें शंकर दादा MBBS, जलसा, रेडी और मगधीरा जैसी सुपरहिट फिल्मों के नाम शामिल हैं। सन 2010 में ये SS राजामौली की मूवी मर्यादा रमन्ना में बतौर लीड हीरो नजर आए। ये वही फिल्म है जिसको हिंदी में सन ऑफ सरदार के नाम से बनाया गया है। 12 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 40 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। साथ ही साथ इस फिल्म के लिए सुनील को स्पेशल जूरी का नंदी अवार्ड मिला। हालांकि इस बीच ये महेश बाबू की जिगर कलेजा और रवि तेजा की मूवी मीरा पकाए में सपोर्टिंग रोल में भी थे। अगर महेश बाबू की जिगर कलेजा और रवि तेजा की मीरा पकाए को छोड़ दें तो अब सुनील एक के बाद एक फिल्मों में बतौर लीड हीरो नजर आने लगे। इसके बाद ये 2011 की मूवी कथा स्क्रीन प्ले, 2012 की मूवी पुला रंगाड़ू और मिस्टर पेली कोदकू जैसी फिल्मों में नजर आए, जिसमें पुला रंगाड़ू फिल्म को 10 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने 25 करोड़ की कमाई करी। फिल्म सुपरहिट रही और इसके बाद सुनील को फिर से कई फिल्मों में बतौर लीड हीरो साइन किया गया। इसके बाद ये तड़ाका, भीमावरम बुल्लुड़ू, कृष्णाष्टमी, उगार आला रामबाबू और टू कंट्रीज जैसी 10 फिल्मों में बतौर लीड हीरो नजर आए, जिसमें ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। इसके अलावा ये अरविंदा समेता, वीरा राघवा, चित्रलहरी, चाणक्या, डिस्को राजा, अला वैकुंठपुरम और कलर फोटो जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी नजर आए हैं। इस तरह सुनील आज 170 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और साउथ इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके हैं। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो मैं आपको बता दूं, इनकी शादी श्रुति इंदुकुरी जी से हुई है। इनसे इनको एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम है दुष्यंत, वहीं बेटी का नाम है कुंदना। तो दोस्तों ये रहा सुनील सर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको सुनील सर कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।